हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के पहले दो क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमें उससे आगे कंटिन्यू करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि आज हम अपनी ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको एक इक्वेशन दी हुई है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 और कह रहा है कि इस लाइन पे, इस ग्राफ की इक्वेशन पे, ठीक है, ये इस इक्वेशन के ग्राफ पे, सॉरी, एक पॉइंट है 0.34, ये इस पे लाई करता है। ये इस पे लाई करने का मतलब है कि सॉल्यूशन है। अरे अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन पे लाई, इक्वेशन की ग्राफ पे लाई करता है, इसका मतलब होता है कि वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो कह रहा है कि अगर ये इस पे लाई करता है तो आपको ए की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? ए की। तो आपको इसमें ए की वैल्यू बतानी है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये पॉइंट जो है इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। अगर ये इसके ग्राफ के ऊपर लाई करेगा, इसका मतलब है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू 3, आप लिख लेना, बिकॉज बिकॉज पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, देयर फोर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, क्योंकि बिंदु 3, 4 इस समीकरण के ग्राफ पर, इस समीकरण के ग्राफ पर इस उपस्थित है, इस समीकरण के ग्राफ पर उपस्थित है, इसलिए यह इस समीकरण का एक हल है, इसलिए यह इस समीकरण का एक हल है। ये लिख लेना आप हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या है? तो इस आपको x की वैल्यू 3 रखनी है, y की वैल्यू 4 पुट करनी है इसमें। तो आपको इक्वेशन दे रखी है कि 3y, y की जगह लिखना है 4 इज इक्वल टू ए, और x की जगह लिखना है 3 प्लस 7। तो 4 3 जगह कितना होता है? 12 इज इक्वल टू 3a प्लस में 7, प्लस का 7 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7, तो 3a बराबर आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू हमने निकाल लिया 5/3। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कुछ नहीं करना था, बस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकाल देनी थी, जो कि हमने कर लिया। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया होगा बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको नोट करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और उसके बाद उसको नोट किया कीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर फिर नोट कर लिया करो, क्योंकि हमें, हमारे पास जितना टाइम होता है हम इसको ज़्यादातर यूटिलाइज करेंगे अपने क्वेश्चन करने में। ठीक है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखो आपका इस चैप्टर का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में पता नहीं कितनी ही बार आया होगा, ठीक है? तो ये बहुत बार आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको एक बार आप अच्छे से देखेंगे। इसमें आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी है, और इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें क्या बताना है, इससे पहले हमें क्या नाम है, इक्वेशन बनाना है, और इस इक्वेशन से फिर हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने से याद आया कि मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कराए थे इसके क्वेश्चन नंबर वन जो कराया था, मैंने शायद आपको एक ग्राफ ड्रॉ कराया था और मैंने कहा था कि बाकी आप खुद कर लेना। तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है? मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन हमारी बहुत आसान आसान थी दी, ठीक है? और कुछ करना नहीं है, एक बार एक्स को 0 पुट करना था, एक बार वाई को, बस थर्ड इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें वाई 0 पुट नहीं करना है आपको, उसमें एक्स की ही दो वैल्यू माननी थी। एक बार एक्स इजिकल टू 0 मान लेते, एक बार एक्स इजिकल टू 1 मान लेते, ठीक है? चलो वो भी मैं करा दूंगा अगर देखते हैं लास्ट में टाइम बचा तो आज के लिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर फोर कर रहे हैं, पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, कि एक शहर में, किसी एक शहर में टैक्सी का किराया किस तरीके से है। लिखा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, और उसके बाद आप जितने किलोमीटर आगे जाते हो उनका किराया पर किलोमीटर 5 रुपये, ठीक है? तो कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर एंड फेयर एज वाई रुपीज, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो कह रहा है कि एक्स, अगर मान लो कि उस किसी ने टोटल एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और उसका किराया यानी कि फेयर वाई रुपीज बने हैं, तो इसका आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है? और उसका फिर ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखेंगे आपको कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, सबसे पहले बोला है फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया। तो फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर जो है वो है 8 रुपीज, कितना है 8 रुपीज, हिंदी में लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया, ठीक है? उसके बाद फेयर ऑफ सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स, हिंदी में लिखना है कि क्रमागत किलोमीटर का किराया, ठीक है ना? क्रमागत या हाँ क्रमागत किलोमीटर या दूरी का किराया। तो क्रमागत दूरी का किराया आपको लिखना है 5 रुपये पर किलोमीटर। इतना बड़ा ना लिखें, सिर्फ KM लिख दें, ठीक है? और यहाँ पे भी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस लिख देते हम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रमागत दूरी का किराया तो 5 रुपये पर किलोमीटर, 5 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है? क्रमागत दूरी का किराया हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इनका वो आ गया, क्या नाम है, फेयर पर किलोमीटर कितना है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास एक्स किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास एक्स किलोमीटर, और टोटल फेयर है हमारे पास वाई रुपीज, यानी कुल दूरी जो है एक्स किलोमीटर है और कुल किराया जो है वाई रुपये है। तो क्या नाम है, हमें इसका इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। हमें बोला गया है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये। अच्छा, आप कोई भी चीज कैसे लेते हो, मतलब मैंने अगर आपको बोला कि भाई 1 रुपये की 4 टॉफी है, ठीक है? तो 5 रुपये की कितनी टॉफी आएगी, अगर 1 रुपये की 4 टॉफी आती है तो 5 रुपये की कितनी टॉफी आएगी। तो आपने क्या किया कि 1 रुपये की 4 टॉफी है और टोटल 5 रुपये आपके पास, तो 4 को 5 से गुना कर देंगे तो टोटल कितनी टॉफी आ जाएगी, 20 टॉफी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पर यूनिट का रेट दिया हो और टोटल आपसे पूछा जाए, तो पर यूनिट का टोटल से
उसके जितने वैल्यू के लिए निकालना है उससे मल्टीप्लाई करके आ जाता है। जैसे हमें डिस्टेंस दिया है एक्स किलोमीटर और किराया हमें कुछ इस तरीके से निकालना है, और टोटल किराया भी दे रखा है। तो ये टोटल किराया आएगा कैसे? टोटल किराया ऐसे आएगा कि पहले किलोमीटर चलने पे तो 8 रुपए लगेंगे, तो पहला किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, और उसको उसका फेयर कितना लगेगा? 8 रुपए। पहला किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, और उसका किराया लगेगा 8 रुपए। उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद क्या होगा? प्लस। अब उसके बाद जितने किलोमीटर बच गए, पहला किलोमीटर तो यहां आ गया, उसके बाद जितने किलोमीटर बच गए उनका किराया आएगा 5 रुपए के हिसाब से। उनका किराया कितने रुपए के हिसाब से आएगा? 5 रुपए के हिसाब से। तो भाई बचे कितने किलोमीटर? टोटल डिस्टेंस एक्स किलोमीटर है, उसमें से आपने 1 किलोमीटर कम कर दिया, तो बाकी कितने किलोमीटर बच गए? तो यहां पे बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 1 किलोमीटर निकल चुका है और टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो बचेगा एक्स माइनस वन। कितना बचेगा? एक्स माइनस वन, एक्स में से एक कम, ठीक है, सिंपल। इसका मतलब ये है। और इसका किराया कितने रुपए के हिसाब से जा रहा है? 5 रुपए के हिसाब से। इसका किराया कितने रुपए के हिसाब से जा रहा है? 5 रुपए के हिसाब से। तो टोटल किराया पहले का 8 रुपए और बाकी किलोमीटर का 5 रुपए जोड़ दोगे तो टोटल किराया कितना बनेगा? वाई रुपीज। टोटल कितने रुपए किराया है? वाई रुपीज। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा? वाई रुपए के। तो ऐसे आपको बराबर करना है, ठीक है ना। कि जो टोटल किराया है कैसे बनाया? पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए लगाया, तो पहला किलोमीटर गुना 8, बाकी जितने किलोमीटर बच गए उनका 5 रुपए के हिसाब से। तो एक्स में से एक कम हो चुका है, तो एक्स माइनस वन किलोमीटर बचा है, और उसको 5 से गुना करेंगे, इजिकल टू वाई, ठीक है। तो 8 एकम 8 प्लस इनकी गुना करो, तो 5 को x से करोगे 5x, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 इजिकल टू वाई। तो 8 और -5 बनता है 3, प्लस 5x इजिकल टू वाई। तो बस ये हमारी इक्वेशन बन गई, हो गया, ठीक है। तो बस हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, हमने कर दी। तो यहां तक तो हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है हमें। क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आप देख लेते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पहले सबसे पहले दो सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इसके दो सॉल्यूशंस निकाल लेता हूं। नाउ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? y इजिकल टू 5x+3। अरे इसको इसको जो है इस तरफ लिख लिया, जो इधर राइट हैंड साइड में लिखा है उसको लेफ्ट में लिख लिया, और लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया, और कुछ हमने नहीं किया। और हम इक्वेशन में ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम और ऐसा लिख क्यों रहे? ताकि हमें देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, चाहे ये यहां रहे चाहे ये इस तरफ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस हमें देखने में आसानी हो जाए, इसलिए मैंने इस पूरी वैल्यू को उधर लिख लिया और वाई को एक तरफ छोड़ दिया। अच्छा, और मैंने आपको एक बात और बताई थी, कभी भी यहां पर सिंगल वेरिएबल आ जाए, एक तरफ सिंगल वेरिएबल आ जाए और दूसरी तरफ वेरिएबल के साथ दूसरे कॉन्स्टेंट या उसके साथ और कुछ लगा हो, उसका कॉफिशियंट लगा हो, तो हमेशा इधर वाले की वैल्यू पुट करते हैं, इसकी कोई वैल्यू पुट नहीं करते। इधर वाले की वैल्यू पुट करना आसान रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि करते ही नहीं है, कर सकते हैं, पर हमारे लिए जो आसान है, ज्यादा कंफर्टेबल है, वो यही है कि हम उधर वाले की वैल्यू रखें, राइट हैंड साइड की वैल्यू रखें, ठीक है। तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, लेट एक्स इजिकल टू 0। तो सबसे पहले आप एक्स इजिकल टू 0 पुट करें, तो वाई इजिकल टू आ जाएगा 5 × 0 + 3। वाई इजिकल टू ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और बचा 3। तो पहला सॉल्यूशन आ गया आपका 0 3। फिर से लेट करो, एक बार इस बार लेट करो एक्स इजिकल टू 1, तो y इजिकल टू आ जाएगा 5 × 1 + 3। तो y इजिकल टू आ जाएगा 5 + 3, तो y इजिकल टू आ जाएगा 8। यानी क्या आ गया? दूसरा 1 और 8, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 है। यहाँ पे आप अपना बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स सिखाया था मैंने बनाना, ठीक है। x 0 है तो y 3 है, x 1 है तो y 8 है, ठीक है। बस अभी फिलहाल इतना, पहले इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कि ग्राफ कैसे बनाते हैं।
कर लिया होगा बच्चों, इस तरफ का रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस साइड का रब कर रहा हूं। मुझे बस आपको इस वाले क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, देखेंगे, हमें नीचे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 1 2, ये आपका आ गया डिस्टेंस एक्स एक्सिस, और इधर ज्यादा चाहिए, तो अगर तो हमें मतलब सबसे पहले क्या दिया था, हमने बॉक्स बनाया था, तो पहला हमारा सॉल्यूशन था 0 3, तो 0 3 का आएगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, तो ये रहा 0 3, और दूसरी वैल्यू थी हमारी 1 8, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 8, तो 1 8 कहीं यहां पे आएगा। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आपको इन लाइनों को मतलब इन पॉइंट्स को एकदम स्केल से मिलाना पड़ेगा, स्ट्रेट स्केल से मिलाते हुए ऐसे ले जाएंगे ऊपर और नीचे से, ठीक है, तो जहां पे मिल जाए ऐसे, ये आपका इस इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस दो पॉइंट आपको, दो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं और दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपको आपस में मिला देना है, तो बस वही बन जाता है आपका ग्राफ। जल्दी से इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया होगा, अब देखेंगे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, वो बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल की तरह है, जैसा हमने एग्जाम्पल किया था। इसमें भी आपको दो ग्राफ दे रखे हैं और दोनों के लिए चार चार इक्वेशन आपको दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा इक्वेशन उस ग्राफ के लिए है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है, मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है, खुद करेंगे मतलब आप होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूं सबसे पहले, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है,
ऐसे जा रही है आपकी लाइन, ये स्केल से नहीं बनाया तो स्ट्रेट नहीं बन रही, एक मिनट, कुछ ऐसे, ठीक है। आपको स्केल से मिलाना है तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी लाइन, ठीक है। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है क्योंकि बिना स्केल के बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बस ये कुछ ऐसा है, ये ग्राफ आपके सामने, जिसमें आपको तीन सॉल्यूशन दे रखे हैं। कौन से तीन सॉल्यूशन है? पहला देख सकते हैं आप, 2 0 है, 0 2 और -1 3, और इनके लिए आपको चार इक्वेशन दे रखी है। चार इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन दे रखी है? फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। सेकेंड, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। थर्ड, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। फोर्थ, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हमें ये तीनों सॉल्यूशन इन चारों इक्वेशन में से मैं पुट करके देखना है, जिसमें तीनों इक्वेशन में तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाए वो इक्वेशन वो इस ग्राफ का होगा, ठीक है ना। तो हम तीनों को पुट कर करके देखते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। पहले आप लिख लेना कि वी हैव थ्री सॉल्यूशंस, वी हैव थ्री सॉल्यूशंस। कौन कौन से हैं? 2 0, 0 2 एंड -1 3, ठीक है ना। तो द इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ इज दैट विच सेटिस्फाई सेटिस्फाई विच सेटिस्फाइज विद ऑल थ्री सॉल्यूशंस। आप ये सब लिख सकते हैं कि भाई वह समीकरण इस ग्राफ का होगा जो तीनों तीनों हल को संतुष्ट कर सके, ठीक है ना। वह समीकरण इस ग्राफ का होगा जो तीनों हलों को संतुष्ट कर सके। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपका वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसमें आपको पुट करना है ए पार्ट, लेट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 0। पहला सॉल्यूशन रखा आपने, पहला सॉल्यूशन है आपका 2 0, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0। तो आप जैसे ही रखते हैं तो देखो, वाई की जगह 0 रखा, एक्स की जगह 2 रखा, और यहां 2 पहले से ही है, तो 0 बराबर 4। क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो नहीं। तो पहले ही कंडीशन यहां पे गलत हो गई, देयर फोर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, हिंदी में लिखना है, अतः y बराबर x प्लस 2 इस ग्राफ का समीकरण नहीं है। ठीक है, इस ग्राफ का समीकरण नहीं है। तो ये वाला हो गया, फर्स्ट पे आपने ट्राई कर लिया, फर्स्ट नहीं निकला, अब सेकंड पे ट्राई करेंगे। सेकंड इक्वेशन था y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसमें पुट करो लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 2 माइनस 2, 0 बराबर 0। भाई पहला सॉल्यूशन तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा रख के देखते हैं, दूसरा रखा तो y इज इक्वल टू, फिर से इस बार लेट करना है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो जब हम ये पुट करेंगे इसमें, तो
तो भाई x की जगह 0 रखना, y की जगह 2, तो y की जगह 2 बराबर x की जगह 0 प्लस में 2, ठीक है, सॉरी 0 माइनस में 2, y इक्वल टू x माइनस 2 है ना, इसका b पार्ट है, पार्ट पार्ट वाइज कर लेना, इसका a पार्ट था ये वाला, ये b पार्ट है। तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, माइनस 2, तो यह आ जाएगा 2 बराबर माइनस 2। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 इक्वल हो माइनस 2 के? तो 2 भी इक्वल नहीं हो सकता माइनस 2 के, यानी कि यहाँ पे सेकंड में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे देयरफोर y इज इक्वल टू x माइनस 2 इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, ये वाला भी इस ग्राफ का इक्वेशन नहीं है, ठीक है, y बराबर x माइनस 2 इस ग्राफ का समीकरण नहीं है। तो इतना लिखो, जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बताता हूं। कर लिया बच्चों, तो इधर का मैं रब कर रहा हूं। तो हमने दो इक्वेशन में पुट कर लिया, पर दोनों में से किसी में नहीं आया, दो इक्वेशन और बचे हैं, एक है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और दूसरा है x प्लस 2 y इज इक्वल टू 6। तो मैं पहले हल्का सा मिटा रहा हूं, मैं इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं कि भाई हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, तो पुट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, ये था ना पहला, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, तो भाई y की जगह आपको 0 रखना है बराबर माइनस में 2 प्लस में 2, तो 0 बराबर माइनस 2 प्लस 2 कितना होता है, ये भी 0 होता है, तो भाई पहली पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड रख के देखो, सेकंड था लेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, दूसरा 0 2 था ना,
तो x की जगह y की जगह 2 रखना है, ठीक है, y की जगह 2 रखना है, बराबर x माइनस का चल रहा है ना हमारे पास, माइनस का 0 और प्लस में 2, तो माइनस का 0 तो कुछ भी नहीं होता है, हट जाएगा, तो इधर सेकंड वाला भी सेटिस्फाई कर गया, 2 इज इक्वल टू 2, और इसी में आपको थर्ड का ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और सी पार्ट। अब तीसरी वैल्यू रख के देखनी है, तीसरी वैल्यू कौन सी रख के देखनी है हमें, -1 3, तो लेट एक्स इजिकल टू -1 एंड वाई इजिकल टू 3, तो भाई एक्स की जगह रखना है, वाई की जगह रखना है 3 इजिकल टू एक्स, माइनस पहले से ही है, एक माइनस पहले से ही है, और एक बार एक्स का -1 रखना है और इधर +2, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 माइनस माइनस वन माइनस माइनस +1 आ जाएगा और +2, तो देख सकते हैं, ये बता रहा हूं, तो आप देख सकते हैं इधर भी 3 आ गया और 1 + 2 इधर भी 3 आ गया, तो 3 = 3, तो आप देख सकते हैं इस वाले को इक्वेशन में तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, यहां 0 = 0 आ गया, यहां 2 = 2 आ गया और इधर 3 = 3 आ गया, जब तीनों बार सेटिस्फाई कर रहा है, हम कह सकते हैं देयर फोर वाई इज इक्वल टू -x + 2 इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, बस सिंपल खत्म, ठीक है, कि y बराबर x -x + 2 इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, हिंदी में लिखेंगे y बराबर -x + 2 इस ग्राफ का समीकरण है, बस, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म। चौथे में पुट करके नहीं देखना, क्योंकि कोई भी तीन पॉइंट हमेशा सिर्फ एक लाइन से होकर ही पास हो सकती है, यानी इसका सिर्फ एक ही इक्वेशन बन सकता है, कोई और इक्वेशन इसका नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये जल्दी से इसको नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये नहीं लिखना, ये हो चुका है हमारा, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इधर का, ये पहले ही हो चुका है, कहीं दोबारा आप नोट कर लो। कर लिया होगा बच्चों नोट, अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे, ठीक है ना, मैंने सेकंड पार्ट करा दिया आपको, जो कि थोड़ा फर्स्ट पार्ट थोड़ा आसान है, ये वाला थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने आपको ये वाला ही कराया इसलिए, ठीक है, फर्स्ट इससे आसान मिलेगा आपको, तो आप वो खुद कर लें बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये वाला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, आप साइंस के चैप्टर पढ़ते हैं ना, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन में बोला है इफ द वर्क डन बाय एन एप्लीकेशन, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कॉन्स्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, ऑल्सो रीड
फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये आप साइंस के 11th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये फोर्स, ये आप अपने 11th चैप्टर में पढ़ेंगे कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर ये वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यहां पे कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप मान लेते हैं कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का, यहां पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का, तो यहां पे एक कांस्टेंट फोर्स है F बराबर 5 न्यूटन, ये आपको दे दिया है। तो कह रहा है कि बाकी जो बचेगा इसका इक्वेशन बनाओ, अगर फोर्स 5 न्यूटन है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स की जगह आप रखेंगे 5 और ये S, S होता है डिस्प्लेसमेंट, S क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। जब आप चैप्टर 8 चैप्टर मोशन पढ़ेंगे और उसके आगे से जितने भी उससे रिलेटेड चैप्टर है 8, 9, 10, 11, तब आप हर बार यही चीज पढ़ेंगे कि ये S क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं कि W बराबर हो गया 5S, W बराबर कितना हो गया 5S, ये आपका इक्वेशन बन चुका है, क्या आपका बन चुका है इक्वेशन। अब आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपको बताना है कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है और 0 यूनिट है तब आपको वर्क डन बताना है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया कि यहां पे सिंगल वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल के साथ उसका कोफिशियंट जुड़ा है, तो हमेशा इधर की वैल्यू आप पुट करेंगे। तो एक बार लेट कर लेना, S बराबर 0, S बराबर हम क्या मान लेते हैं 0, तो जब S 0 है तो 5 इंटू में 0 वर्क भी कितना हो जाएगा 0। और एक बार मैंने बताया था कि इस जब भी यहां पे ये इस किसी एक वेरिएबल को पुट करने पे 0 पुट करने पे दूसरे भी 0 आ जाए तो कभी भी फिर दोबारा 0 पुट नहीं करते, ठीक है ना। इस बार हम क्या पुट करेंगे, इस बार हम S को 1 पुट करेंगे। तो एक बार लेट कर लेते हैं S इज इक्वल टू 1, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू में 1 और वर्क आ जाएगा 5 जूल, ठीक है। तो दूसरी बार में 5 जूल आ गया, अगर यूनिट लिखनी है तो आप जूल लिख सकते हैं, वैसे आपको यूनिट लिखने के लिए बोला नहीं गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन आया 0 0 और दूसरा सॉल्यूशन आया 1 और 5, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, ये हो गया S और W का, जब S 0 था तब W भी 0 था, जब S 1 था तब W कितना था 5। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, वन टू, 1 2 3 4 5 6, ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, और इसके नीचे लिख भी लेना कि ये आपका क्या है, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका वर्क डन है, ठीक है। तो भाई जब S 0 था तो ये भी 0 था, 0 0, ये आ गया 0 0, और 1 और 5, जब डिस्टेंस 1 था तब वर्क डन 5 था, तो 1 5 1 5, और इसको मिलाते हुए आपको एक, सॉरी, ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, एकदम स्ट्रेट खींचनी है, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, आप लोग स्केल से बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मिलाते हुए। तो ये आपका ग्राफ बन चुका है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में इसका, इसके दो पार्ट और दिए हैं कि जब डिस्टेंस आपका 2 यूनिट हो तब कितना वर्क डन होगा और 0 यूनिट हो तब कितना वर्क डन होगा। 0 यूनिट में तो आप निकाल चुके हैं कि 0 यूनिट पे वर्क भी कितना होगा 0, हमें बस 2 यूनिट के लिए निकालना है। और नाउ अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हेन S बराबर 2 यूनिट, S बराबर कितना है 2 यूनिट, तो W बराबर कितना होगा 5 गुना में 2, तो W बराबर होगा 10 यूनिट। वैसे इसकी जूल होती है यूनिट, तो 10 जूल भी लिख सकते हैं, और वो भी निकाल ही लेना, व्हेन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, और सेकंड पार्ट फिर से निकाल देना एक बार कि जब ये 0 यूनिट है तो W बराबर होगा 5 गुना में 0, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0 यूनिट, खत्म।
तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो एक काम करते हैं, आज मुझे कहीं कुछ काम है तो इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी क्लास छोड़ रहा हूँ आपकी, ठीक है? तो आप इतना कंप्लीट कर लेना आज, नेक्स्ट क्लास में हम अपनी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे और अगली एक्सरसाइज भी कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी अपना चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और मिलते हैं फिर हम अपने अगली क्लास में। बाय।